नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा विषय है लोकसभा और राज्यसभा की तुलना, अर्थात इस तुलना के द्वारा हम राज्यसभा की स्थिति जानेंगे कि राज्यसभा की व्यवहार में स्थिति कैसी है। जब हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है संगठनात्मक तुलना, दूसरी करते हैं शक्तियों की तुलना। संगठनात्मक तुलना जब हम करते हैं तो इसमें जो टॉपिक आते हैं, इनके नामकरण, सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यताएं, शपथ व कार्यकाल, अधिवेशन व गणपूर्ति, पीठासीन अधिकारी और विशेष अधिकार, ये सारे टॉपिक अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन छोट में लेते हुए अपन दूसरे पॉइंट पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। तो सबसे पहले संगठनात्मक तुलना को संक्षिप्त में अपन देखते हैं। नामकरण की जब बात करते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, प्रत्येक सदन, जनता का सदन कहा जाता है, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन, अप्रत्यक्ष सदन और राज्यों का सदन कहा जाता है। जब सदस्य संख्या की बात करते हैं तब लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सदस्य संख्या निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य संख्या चल रही है, जिसमें से 530 राज्यों के द्वारा चुनकर आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की संविधान में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, 250 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में 245 चल रही है, 229 राज्यों से चुनकर आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। जब तक जहां तक इनके चुनाव की बात है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। योग्यताएं दोनों के लिए लगभग समान ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान की शपथ लेने के लिए तैयार होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, पागल, दिवालिया और सजायाप्ता नहीं होना चाहिए और अन्य योग्यताएं जो संसद निर्धारित करे। ये मोटी मोटी योग्यताएं थी जो दोनों के लिए समान है, केवल एक ही दोनों में अंतर पाया जाता है और वो ये होता है कि लोकसभा के लिए 25 तो राज्यसभा के लिए 30 आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात आता है कार्यकाल और शपथ ग्रहण। नव निर्वाचित सदस्यों को दोनों सदनों में शपथ ग्रहण करवाई जाती है। लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है उस समय तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, वो शपथ दिलाता है और राज्यसभा में सभापति ने शपथ दिलाता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है और इसे समय से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा भंग या विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका चुनाव एक साथ नहीं होता है और एक साथ नहीं हटते हैं। एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के पश्चात विश्राम ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते रहते हैं, लेकिन सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अधिवेशन दोनों सदनों के साथ साथ ही चलते हैं और राष्ट्रपति इन दोनों के अधिवेशन बुलाता है। गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10% निर्धारित किया गया है, दोनों के लिए समान ही है, तो लोकसभा में अगर 545 सदस्य होते हैं तो 10% के हिसाब से 55 सदस्य गणपूर्ति होती है और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं तो उसकी 10% 25 सदस्य होते हैं। इस तरह 10% का नियम होता है। सदस्यों के विशेषाधिकार भी दोनों सदनों में बराबर ही है। इन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। सिविल केसेस में 40 दिन पहले सत्र के 40 दिन पश्चात गिरफ्तार नहीं किए जा सकते हैं और अन्य मामलों में भी पीठासीन अधिकारी की अनुमति से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सत्र के दौरान कोर्ट में पेशी या गवाही के रूप में उपस्थित होने से इन्हें छूट होती है और संसद द्वारा दिए गए जो वेतन भत्ते वो ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सदन के सदस्य होने के नाते सामूहिक विशेष अधिकार भी होते हैं, तो ये दोनों के लिए सेम ही होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं। फिर आते हैं पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं, तो लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा के लिए सभापति उपसभापति होता है।
लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं चुनती है और अध्यक्ष उसकी कार्यवाही को संभालता है, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो उसकी कार्यवाही को संचालित करता है, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति उसका कार्य संभालता है। तो राज्यसभा केवल अपना उपसभापति ही चुनती है। दोनों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास दो विशेष पावर होती है। वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा दोनों के जो कार्य हैं वो सेम होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि मेन अपन को यहाँ पे फोकस करना है, दोनों की शक्तियों की तुलना करनी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां किस तरह से है और राज्यसभा कहाँ स्टैंड करती है। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है। पहला अपन बनाएंगे पॉइंट कि इन दोनों में क्या समानता, अर्थात कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इन दोनों के पास बराबर होती हैं। और दूसरा अपन ये कहेंगे कि असमानता, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कमजोर है या निर्बल है। और तीसरा हम यहाँ ये देखेंगे कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां होती हैं, उसके पास कुछ विशेष पावर होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समानता, अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर है। देखते हैं कौन कौन सी शक्तियों में वो बराबर है। मुख्य रूप से पहली शक्ति ये होती है कि जो विधेयक है उन्हें प्रस्तुत करना और पारित करना। विधेयक प्रस्तुत और पारित दोनों में कुछ बराबर है ये दोनों सदन। कौन से विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों के पास बराबर शक्तियां होती हैं? देखिए सामान्य विधेयक होते हैं, वो दोनों में से किसी भी सदन में रखे जाते हैं और पारित होने के लिए दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, उनमें भी दोनों के पास बराबर पावर होती है, दोनों में से कहीं पर भी रखा जा सकता है और पारित होने के लिए दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है वित्त विधेयक सेकेंड, जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत वर्णित होता है, उसके अंतर्गत भी दोनों के पास बराबर पावर है, दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं और किसी दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो साधारण विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड में दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। इसके पश्चात दूसरी जो मेन दोनों के पास बराबर शक्ति है वो होती है निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन में दोनों के पास बराबर शक्ति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के साथ मिलकर करती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन मिलकर करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। तीसरी जो शक्ति होती है दोनों के पास बराबर होती है वो महाभियोग की होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए जाने वाले महाभियोग के लिए दोनों बराबर शक्ति रखते हैं। राज्यसभा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है, संकल्प पारित कर सकती है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक लोकसभा उसे स्वीकार नहीं करती। तो महाभियोग में भी दोनों के पास बराबर पावर होती है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति जितनी भी आपातकाल लगाता है, तीनों तरह के आपातकाल जो लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, उनको स्वीकृति देने में भी दोनों के पास बराबर है। अर्थात आपातकाल की स्वीकृति भी दोनों सदनों की सहमति के द्वारा ही दी जा सकती है। नेक्स्ट होती है कि अध्यादेश को स्वीकार करना। राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करता है उनके बारे में भी दोनों के पास बराबर पावर होती है, दोनों की स्वीकृति से ही वो लागू रहेंगे आगे तक। इसके अलावा होता है कि मंत्री लोकसभा में भी बनाए जा सकते हैं और राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के निर्माण के बारे में भी दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। इसी तरह जितनी भी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, चाहे वो वित्त आयोग की हो, चाहे महालेखा परीक्षक की हो, चाहे कोई कमेटी की हो, उन पर चर्चा करने के बारे में भी दोनों के पास बराबर पावर होती है। इसी तरह देखते हैं कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उठाने के बारे में जो राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है उनके बारे में भी दोनों के पास बराबर पावर है और न्यायालय का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने में भी दोनों के पास बराबर शक्ति है। अर्थात ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर दोनों के पास बराबर शक्ति है और हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा यहाँ बराबर है। अब अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, असमानता, अर्थात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राज्यसभा जो है लोकसभा से किन किन चीजों में निर्बल है।
कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा वहां कमजोर साबित होती है, और देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे बड़ी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक है उसके बारे में है। धन विधेयक के बारे में राज्यसभा की कमजोर स्थिति है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, लोकसभा में ही शुरू किए जाएंगे और पारित करने के लिए राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा उसे अस्वीकृत नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। 14 दिन के पश्चात वो वैसे ही पारित होंगे जैसा लोकसभा ने पारित किया था, लोकसभा चाहे तो उसके संशोधन को स्वीकार कर सकती है। तो ओनली फॉर 14 दिन के लिए विचार विमर्श कर सकती है, बाकी वो धन विधेयक के बारे में उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। उसकी सिफारिश को मानना नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो धन विधेयक के बारे में राज्यसभा बिल्कुल कमजोर होती है लोकसभा की तुलना में। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं वित्त विधेयक फर्स्ट की, वित्त विधेयक फर्स्ट जो कि अनुच्छेद 117(1) में वर्णित है, वो लोकसभा से ही शुरू होता है और लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है, हालांकि पारित होने के लिए दोनों की बराबर शक्तियां हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं बजट के ऊपर चर्चा के बारे में बात करते हैं, तो बजट जब संसद में रखा जाता है तो राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार उसे नहीं होता है। इस तरह वित्त विधेयक, बजट और धन विधेयक, इन तीनों में ही राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसमें राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं कार्यपालिका को नियंत्रित करने के बारे में। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के बारे में अपन ये देखते हैं कि संसद कार्यपालिका को प्रश्न पूछती है, पूरक प्रश्न पूछती है, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव लाती है। राज्यसभा कार्यपालिका को नियंत्रित करने के अंतर्गत केवल उनसे जानकारी प्राप्त कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगाकर नहीं उठा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उठाने की पावर केवल लोकसभा के पास ही होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए राज्यसभा यहां पर भी कमजोर होती है कि कार्यपालिका को उठाने की पावर अविश्वास प्रस्ताव लगाकर लोकसभा के पास ही होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है। तीसरी जो बात करते हैं हम सामान्य विधेयक के बारे में भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। सामान्य विधेयक के बारे में देखिए, अपन देखते हैं कि दोनों के पास बराबर पावर है, किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है और पास होने के लिए दोनों के पास बराबर पावर होती है। लेकिन जब मतभेद होता है और सामान्य विधेयक अगर संयुक्त बैठक में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति दोनों के मतभेद दूर करने के लिए अगर संयुक्त बैठक बुलाता है, तो उस स्थिति में राज्यसभा की स्थिति कमजोर हो जाती है। संयुक्त बैठक के पहले तक दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब बैठक हो जाती है, संयुक्त बैठक बुला लेता है राष्ट्रपति, तो वहां राज्यसभा का पलड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों हो जाता है देखिए, क्योंकि एक तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है, तो पहले ही उसके अकॉर्डिंग मतदान में उसी के अनुसार वो पारित होगा। दूसरे राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक का, तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर बैठक बुलाएगा, और मंत्रिपरिषद और लोकसभा में एक ही पार्टी होती है, उसी की सरकार होती है, तो तभी बुलाएगा जब लोकसभा उस विधेयक को पारित करना चाहेगी। तो संयुक्त बैठक के पश्चात राज्यसभा यहां कमजोर हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति बैठक मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर बुलाता है, लोकसभा की सदस्य संख्या भी ज्यादा होती है, अतः वो वैसे ही पारित होता है जैसा कि लोकसभा उसे चाहती है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है, साधारण विधेयक, और उसके पश्चात लोकसभा में जाता है, लोकसभा अगर उसको अस्वीकार करती है, तो राष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाता है, वो उसको नहीं बुलाएगा, क्योंकि लोकसभा उसको सिफारिश नहीं करेगी। तो साधारण विधेयक में भी अंतिम अगर विकल्प देखते हैं लास्ट में, तो यहां भी इसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा एक और होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प पारित करने की शक्ति भी लोकसभा के पास ही होती है। देखिए, आपातकाल को लागू करने में दोनों की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन लोकसभा के पास ये विशेष पावर होती है कि उसके 10% सदस्य अगर स्पीकर से या राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस आपातकाल को समाप्त करने के लिए सदन की बैठक बुलाई जाए, तो बैठक बुलाई जाएगी और 14 दिन के पश्चात उस बैठक में इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प पारित करने का अधिकार भी लोकसभा को है। इस तरह धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट,
कार्यपालिका को नियंत्रित करना और संयुक्त बैठक की स्थिति में राज्यसभा कमजोर साबित होती है या निर्बल नजर आती है। इसके अलावा तीसरी स्थिति हम और देखेंगे कि राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जो इसके पास ही होती हैं और दो शक्तियां इसके पास स्पेशल होती हैं। एक होती है अनुच्छेद 249 के तहत 249 अनुच्छेद में राज्यसभा के पास ये विशेष स्थिति होती है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और जब वो उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दूसरा उसके पास स्पेशल पावर होती है अनुच्छेद 312 और इस अनुच्छेद 312 के तहत वो क्या करती है, कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, उसके लिए 2/3 बहुमत से अपना प्रस्ताव पारित कर देती है तो कोई नई सेवाएं स्थापित की जा सकती है। इस तरह दो पावर राज्यसभा के लिए विशेष होती है, कुछ में वो निर्बल होती है, कुछ में वो दोनों बराबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी राज्यसभा की स्थिति कैसी होती है तो हम ये देखेंगे कि हमारी राज्यसभा की जो स्थिति है वो ब्रिटेन की लार्ज सभा और अमेरिका की सीनेट से बीच की स्थिति है। विश्व में सबसे कमजोर सदन लार्ज सभा होती है और विश्व में सबसे शक्तिशाली सदन द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट होती है। तो हमारी जो राज्यसभा है वो लार्ज सभा की जैसे कमजोर नहीं है और सीनेट की जितनी शक्तिशाली नहीं है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माता राज्यसभा को लोकसभा की सहयोगी और सहायक संस्था बनाना चाहते थे, प्रतिद्वंदी संस्था नहीं बनाना चाहते थे और इसीलिए हमारे यहाँ पर इस तरह का प्रावधान किया और बीच वाली स्थिति हमारी राज्यसभा की यहाँ स्थापित संविधान के माध्यम से की गई है। धन्यवाद।